बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां। हमारे किसान खेतों में मेहनत करते हैं ताकि उनको अच्छी फसल प्राप्त हो सके, लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करें और साथ ही नई तकनीक को साथ लेकर आगे बढ़ें। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि कैसे कृषि संबंधी नई तकनीक का इस्तेमाल आप खेती में कर सकते हैं ताकि इससे पैदावार बढ़े और आपकी आय में वृद्धि भी हो। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। आज के हम विज्ञान और किसान में आपको जानकारी देंगे एक ऐसी विधि, एक ऐसी तकनीक के बारे में जिसका इस्तेमाल तो वैसे वर्षों से होता आ रहा है लेकिन अब इसका स्वरूप बदल गया है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान मल्चिंग शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये, आइए जानते विस्तार से। मल्चिंग शीट फसल को सुरक्षित रखने का बेहतरीन तरीका है। ये प्लास्टिक की फिल्म होती है जिसका उपयोग पौधों के चारों तरफ की जमीन को ढकने के लिए किया जाता है। इसके कई फायदे हैं। मल्चिंग शीट से मिट्टी की नमी बनी रहती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। फसल में पानी का इस्तेमाल कम होता है। खेती में मल्चिंग शीट के इस्तेमाल से मिट्टी की ऊपरी सतह कठोर नहीं होती है और फसल स्वस्थ बनी रहती है, जिसका सीधा सीधा असर उपज पर पड़ता है। प्लास्टिक मल्चिंग शीट का उपयोग करके सब्जियां उगाने पर 35-60% तक फसल में वृद्धि देखी गई है। आमतौर पर खेती के लिए 90 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई वाली मल्चिंग शीट का चयन करना बेहतर होता है। फसलों की खेती में लगभग 20 से 40 माइक्रोन की प्लास्टिक की फिल्म उचित रहती है। इन्हें हाथों से पौधों के तने के आसपास लगाया जाता है। बाजार में कई तरह के मल्चिंग शीट मौजूद है। किसान भाई अपने खेत या बाग के अनुसार मल्चिंग शीट का चुनाव कर सकते हैं। पारदर्शी मल्चिंग शीट का उपयोग ज्यादातर ठंडे मौसम में किया जाता है। ये ठंड के समय में लगाई जाने वाली फसल के लिए बहुत ही बेहतर उपाय है। किसान भाई अगर अपने बाग की खेती के लिए मल्चिंग शीट लेना चाहते हैं तो काली मल्चिंग शीट का चुनाव सही होगा। इससे जमीन के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है, साथ ही मिट्टी में नमी भी बनी रहती है और फसल को खरपतवार से भी नुकसान नहीं होता। किसान भाई सिल्वर या दुधिया मल्चिंग शीट का भी चुनाव कर सकते हैं। बाजार में मल्चिंग शीट कई रंगों और मोटाई में उपलब्ध है, जिसे किसान अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकते हैं। मल्चिंग शीट का इस्तेमाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। इसे लगाते समय अधिक तनाव न दें, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही खेती के अन्य कामों के दौरान शीट के फटने की भी संभावना बढ़ जाती है। खेती में मल्चिंग शीट के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे बिछाने के चलते खरपतवार नहीं जमती है, जिससे सारा न्यूट्रिशन पौधे को मिलता है। साथ ही खरपतवार को निकलवाने में होने वाला खर्च भी बचता है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण की वजह से पौधों में कीट या रोग भी बहुत कम लगते हैं, जिससे कीटनाशक का खर्च बचता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि खेती में मल्चिंग का उपयोग कम लागत में अच्छी पैदावार देता है, जिससे किसान अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान, जिसमें हमने आपको मल्चिंग शीट के बारे में जानकारी दी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। कहाँ होगी बारिश,
किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम बात करेंगे मशरूम की। मशरूम एक ऐसी फसल है जिसकी मांग और आपूर्ति में आज भी काफ़ी फर्क है, यानी हमारे किसान मशरूम की खेती कर अच्छा लाभ ले सकते हैं। मशरूम पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, ये प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। साथ ही इसकी खेती आप एक छोटी सी जगह या बंद कमरे में भी कर सकते हैं, यानी भूमिहीन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही किसान से जिन्होंने मशरूम की खेती को अपनाया। रस्सियों पर झूलते मशरूम के इन बैगों के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम इसी कहानी का लाइट कैमरा एक्शन करने वाले हैं। मिलिए अमर पड़वाल से। आज से कुछ दिन पहले तक ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, ये आज खेती कर रहे हैं और ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं। खुद का रोजगार शुरू करने की इनकी चाहत को फिल्मों की चकाचौंध भी नहीं रोक पाई। 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। आपको तो बताइए, लॉकडाउन में ये ख्याल आया कि यार कुछ तो एक सेकेंड इनकम सोर्स होना चाहिए, और मेरी पैदाइश हुई थी फार्मिंग बैकग्राउंड वाले घर में, तो फार्मिंग में ही कुछ बिजनेस करना है ये पहले से तय था। तो लॉकडाउन से पहले 3-4 साल और लॉकडाउन के 3 साल, ऐसे लगभग 6-7 साल मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था कि मुझे फार्मिंग में क्या बिजनेस करना है। ढूंढते मुझे ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के बारे में पता चला। फिर जो भी बिजनेस हम ढूंढते हैं उसके अच्छे भाग बुरे भाग, मतलब उसके बेनिफिट्स, उसके लूप होल्स, ये इसके बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जब मैंने मशरूम का स्टडी करना शुरू किया तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये इस बिजनेस में वेस्टेज से हम सोना उगा सकते हैं। जैसे कि इसका रॉ मटेरियल है फार्मिंग वेस्ट, इससे निकलता है सबसे बढ़िया जो जिससे हम मीट को रिप्लेस कर सकते हैं, चिकन को रिप्लेस कर सकते हैं, बट है प्योर वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट। उसी दौरान मुझे कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव के बारे में पता चला, वहाँ जाके मैंने संपर्क किया तो वहाँ पे मुझे श्री डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े सर से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मुझे यही बिजनेस करना है। फिर सितंबर 2020 में इसका मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन करना, ट्रायल करना शुरू किया। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अधिक प्रोटीन के कारण ही इसे शाकाहारियों का वरदान माना जाता है। ऑयस्टर को ढींगरी भी कहा जाता है। ढींगरी का मतलब है जीव। चूंकि ऑयस्टर मशरूम जीव की तरह ही बैग से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम ढींगरी रखा गया है। तो ये करना था मुझे मेरे गांव में, जो बॉम्बे पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मार्केटिंग।
स्टार्ट करने के बाद जैसे मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लगते हैं 45 डेज, इसके 45 डेज में चैलेंज था मेरे सामने कि इसका वेंडर ढूंढे, जो मेरा सक्सेसफुल हुआ और मुझे पुणे का एक वेंडर मिला जो मेरे यहाँ पे आके मेरा मटेरियल लेके जाता था पुणे में और वहाँ पे वो सेल करता था। इस तरह से इसका सेल हुआ। ये जो बैग है, एक बैग बनाने में मुझे लगभग 50 से 55 रुपए का खर्चा आता है और इस एक बैग से मुझे लगभग समझ लिए 1.5 से 2 किलो का प्रोडक्शन मिलता है और इसका अब भी इसका मेरा 150 रुपये केजी पर केजी का रेट मुझे मिल रहा है, उसमें सब खर्चा इंक्लूडेड है। तो लगभग अगर काउंट करें तो 50 से 55 रुपए की लागत में मुझे 300 रुपए का प्रोडक्शन मिलता है। अमर ने नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। यहां के वैज्ञानिक डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े का कहना है कि विश्व में शिटाके मशरूम के बाद ढींगरी ही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अमर ने इन्हीं से मशरूम उगाना सीखा। यहाँ के किसान भाई जो महाराष्ट्र के है, बहुत सारे यहाँ ओस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं। अभी देख लिया तो ये ओस्टर मशरूम, 4 प्रकार के मशरूम हम कल्टीवेशन कर सकते, तो उसमें बटन है, बटन मशरूम है, ओस्टर मशरूम है, उसको धिंगरी भी बोलते, उसके बाद जो वाइट मशरूम है वो भी कल्टीवेशन कर सकते। उसमें शिटाके मशरूम के बाद ये जो हमारा ओस्टर मशरूम सेकंड नंबर पे आ जाता है और इसका जो कंजम्पशन है जो पूरा वर्ल्ड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है और उसके बाद हमारा इंडिया में भी बहुत सारे लोग मशरूम का कंजम्पशन करते हैं। जो किसान भाई है इसको कम दामत में इसको प्रोडक्शन कर सकते, तो ये जो इसका कल्टीवेशन है तो लगभग 300 बैग का यहाँ हमारे यहाँ से केवीके से इन्होंने जब ट्रेनिंग लिया, जो कृषि और किसान मंत्रालय है उसके माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे ट्रेनिंग लेते, तो इसमें हमने ये धिंगरी मशरूम का फार्मर के लिए एक ट्रेनिंग रखा था, उसमें हमने यहाँ ट्रेनिंग देके जो फार्मर अभी ट्रेन हो गए तो उन्होंने ये प्रोडक्शन यहाँ पर चालू कर दिया और ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समर में भी ये मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे और इसका प्रोडक्शन लेके यहाँ पर जो मार्केट्स है तो उसको वो सप्लाई कर रहे, तो इसका जो बेनिफिट्स है वो फार्मर को भी अच्छी तरह मिलता है। मशरूम के शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे है, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर इसे 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों और बरसात के मौसम में धूप कम होती है तो सुखाने में परेशानी हो सकती है। बाय प्रोफेशन मेरा मास्टर हुआ है हिंदी लिटरेचर में, मैं टीचिंग फील्ड में काम कर चुकी हूँ, लेकिन जॉब या नौकरी करना मतलब उतनी खुशी नहीं दे रहा था। खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ होना चाहिए और खेती से संबंधित हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए मैंने उनको उनसे भी ये कहा कि मैं, मुझे बहुत खुशी होगी ये व्यवसाय करते हुए, इसलिए मैं उनसे जुड़ गई। मशरूम के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है डी विटामिन, जो सिर्फ हमें सूरज की किरणों से, मतलब सुबह की जो किरणें होती है उसी से मिलती है। वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो एकमेव सब्जी है जो मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम, उसी से मिलती है। अमर को खेती शुरू किए महज 3 साल हुए हैं, अभी उनके पास 300 बैग हैं। हालांकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 800 बैगों की क्षमता विकसित की है। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जो कि कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ये किसान बदलते दौर के साथ ही नई तकनीक को अपना रहे हैं, नवाचार को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए मिलवाते हैं ऐसे ही किसान से।
हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को। सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा ही करता है। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के सीकर की उस महिला किसान की, जिन्होंने जैविक खेती कर देश के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है, साथ ही जिनकी कामयाबी के गीत हमारे देश के राष्ट्रपति भवन के गलियारों में भी गूंजते हैं। 2017 के माह हम राष्ट्रपति भवन में 70 साल बाद में किसान महिला सिर्फ में एक ही गई थी, जो 15 दिन मेहमान के रूप में वहां राष्ट्रपति भवन में रुकी थी। 30 बीघा खेत की मालकिन संतोष ने उन्नत जैविक खेती की शुरुआत 2002 से की। जैविक तरीके से नए बीजों से गाजर की खेती कर इन्होंने पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई। आज आपने देश को प्रधानमंत्री है वो भी वो बात बोल रहे हैं कि आपने आज किसाना के दुगुनी मतलब आय होनी चाहिए, दुगुनी पैदावार होनी चाहिए, तो दुगुनी पैदावार आपने यहाँ तो वह को नहीं, मतलब हर चीज़ वहाँ पर हटकी कर सियाँ जैविक कर सियाँ और आपने मार्केट में आप अपनी मतलब जानकारी कर सियाँ और वहाँ बढ़ा से आप हर जगह जा जाए अपनी जानकारी के हिसाब से वहाँ अपने आगे बढ़नू पड़सी और जैविक करके और मतलब किसानन प्रचार प्रसार करना पड़ सी, जना आज आपने जाके दुगुनी पैदावार सी। आज सरकार का भी यह चीज़ है कि हर चीज़ आदमी स्वस्थ रहे और अच्छी चीज़ खाए, तो अच्छी चीज़ हमारी जैविक से ही मिलेंगे और जैविक का मार्केट होगा तभी हमको फायदा मिलेगा। इस प्रगतिशील महिला किसान ने गाजर के नवाचार से सबको हैरत में डाल दिया। काली व लाल गाजर का रंग अंदर से बदलकर उसमें मिठास को तो बढ़ाया ही, साथ ही उत्पादन में भी 1.5 से 2 गुने तक का फायदा हुआ और उन्होंने इस बीज का पेटेंट भी कराया है। हमारा तो ये प्लान है कि हम जो खेती कर रहे हैं और बीज का काम करें, तो बीज की हम बड़ी एक कंपनी बना रहे हैं, बनाएंगे उसको। हमारा ये है कि भाई हमारे आगे से आगे मतलब हम तो कितने दिन तक करते रहेंगे कि आगे से यह कंपनी हमारी चलती रहे। उनकी गाजर की नई किस्म 75 दिनों में उपज दे सकती है, पिछले बीजों की तुलना में लगभग 15 दिन पहले, क्योंकि वो जल्दी अंकुरित होते हैं। संतोष पवार को खेती के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा इन्हें करीब 150 प्रादेशिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पहले हम पंचायत स्तर पर सम्मानित हुए थे, फिर हम जिला स्तर पर सम्मानित हुए थे, फिर हम मतलब जैसे राज्य स्तर पर सम्मानित हुए थे, मतलब जैसे हमको कलेक्टर से हुए थे, मुख्यमंत्री से हुए थे, फिर हम सीधे ही हम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से 2013 के माह हमारे खेत का 2 साल तक सर्वे चला था, फिर 2013 के माह हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। इस तरह अनेक संघर्षों और परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर संतोष पचार ने कृषि क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना, टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह।
चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे कृषि सखी के बारे में। जी हाँ, प्राकृतिक खेती को कैसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके लिए कृषि सखी यानी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके और प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा मिले। आइए जानते हैं कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग हो रही है और कैसे गाँव के स्तर पर इस प्रयास से लाभ हो रहा है। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़े जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गाँव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गाँव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में है। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं है, वे किसान है, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन हैं और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK, कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित, वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.dd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।